नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम आप सभी साथियों। एनआईएफ डीलेट की सूचना आप सभी को पता ही होगा कि एनआईएफ डीलेट वाले 14 लाख अभ्यर्थी जो है प्रशिक्षण प्राप्त किया, लेकिन उनका डिग्री को अमान्य कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। और जितना भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया निकला, सब में एनआईएफ डिग्री को अमान्य करते हुए 18 महीने के कोर्स को मानते हुए अमान्य घोषित कर दिया। इसमें जितनी भी एनआईएस से डीएलएड प्रशिक्षण किए हुए प्रशिक्षु है, सब घबराए हुए और एक दूसरे को हेल्प करते हुए न्यूज चैनल, न्यूज मीडिया में आकर के अपने बातों को रखने के लिए काफी सारा प्रयास जारी रहा। लेकिन मामला ये हुआ कि इतने निकटतम चुनाव आ गया, जिस चुनाव को लेकर के वो लोग ना ही आंदोलन कर सकते हैं, ना ही किसी प्रक्रिया को या अपना कदम आगे बढ़ा सकता। हालांकि मैं बता दूं कि उन्होंने काफी सारा संघर्ष किया, जहां जहां नरेंद्र मोदी का आगमन हुआ बिहार में, वहां वहां छात्रों को पहुंचते टाइम नहीं लगा। उन्होंने पहुंच करके अपनी बात को गृह मंत्री जी के सामने एक बैनर तले, एक बैनर को दिखाने का काम किया गया और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बैनर तले अपने बातों को पहुंचाने का काम किया गया। हालांकि मैं बता दूं कि एनआईएस से जो भी बच्चे डिग्री लिए हुए हैं, वो शिक्षक पद के लिए योग्य नहीं साबित किए जा रहे हैं, अयोग्य मान कर दिया जा रहा है। इस अधिसूचना ने मौजूदा शिक्षकों और एनआईएस से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले नए उम्मीदवारों दोनों के बीच अनिश्चितता की भावना पैदा कर दी है। 2 लाख 1.5 लाख तक का शिक्षक भर्ती प्रक्रिया निकाली हुई थी। बिहार शिक्षा विभाग, बिहार बीपीएससी आयोग ने शिक्षक का विज्ञप्ति जारी किया, लेकिन उसमें 18 महीने के कोर्स को बताते हुए अयोग्य कर दिया गया। 14 लाख अभ्यर्थी जो है गिड़गिड़ाते रह गए, अपने बातों को किसी किसी के सामने रखते रह गए। एमपी, एमएलए और गृह मंत्री नरेंद्र मोदी सबके सामने एक बैनर तले अपने बातों को रखने की पूरी कोशिश किया गया। उनको सांसदों द्वारा, उनके मंत्रियों द्वारा और उनके किसी किसी मंत्री द्वारा भरमा करके कि हाँ आपकी बात को आगे पहुंचाई जाएगी, आप धैर्य बनाए रखिए, कह करके उनके बातों को टाल दिया गया। पेपर जमा करा लिया गया। पेपर को जमा करने के बाद आगे बात पहुंचाने तक की बात को खड़ा करके उनसे धैर्य रखने की अपील की, लेकिन अभी तक कोई मामला सामने नहीं आया है। राज्य सरकार से भी डीएलएड वालों ने अपील किया। 2017 में प्राथमिक विद्यालयों के लिए पाठ्यक्रम अनिवार्य पात्रता मानदंड, जिसके बाद बड़ी संख्या में उम्मीदवारों और पहले से ही सेवारत शिक्षकों ने डीआईईटी यानी डायट से अन्य संस्थानों के तहत पाठ्यक्रम के लिए अपना नामांकन कराया था, जिसमें टीटीई उत्तीर्ण एनआईएस डीएलएड योग्यता धारक ने उल्लेख किया कि उन्होंने 17 से 19 बैच के लिए पाठ्यक्रम में दाखिला लिया था और अपने प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए उन्होंने प्रशिक्षण केंद्र पर प्रशिक्षण भी ली, लेकिन प्रमाण पत्र प्राप्त भी किए क्योंकि इसे अनिवार्य बना दिया गया था। और एनआईएस ने पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए एक बार की खिड़की खोली थी, यह बताते हुए कि एनआईएस को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त है। बड़ी संख्या में उम्मीदवारों ने पाठ्यक्रम में अपना नामांकन कराया। डिप्लोमा पूरा करने के लिए उम्मीदवारों को रविवार को अध्ययन केंद्र पर 4-4 सेमेस्टर परीक्षाओं, होम असाइनमेंट और कक्षाओं से गुजरना पड़ा। इसके अलावा एनआईएस की प्रवेश अधिसूचना में इसे 2 वर्षीय पाठ्यक्रम बताया गया था और उनके प्रमाण पत्रों में भी उनका उल्लेख किया गया था, लेकिन आवश्यक बुनियादी ढांचे की कमी और पहले से ही शिक्षण अनुभव वाले उम्मीदवारों का हवाला देते हुए एनआईएस ने 2 साल के बजाय 18 महीने में पाठ्यक्रम को पूरा करा लिया। नए उम्मीदवार और कार्यरत शिक्षक जिनके पास एनआईएस से समान प्रमाण पत्र है, दोनों अब खुद को अनिश्चितता और भय में पा रहे हैं। उन्होंने अब राज्य सरकार और शिक्षा विभाग से इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है और अनुरोध किया है कि उन्हें भी परीक्षाओं में बैठने की अनुमति दिया जाए यदि आवश्यक समझा जाए तो। अगर उनको लगता है कि पाठ्यक्रम को फिर से करने के लिए एक समय सीमा के साथ कुछ महीने का कोर्स जोड़ा जाए तो वो एनआईएस डीएलएड के 14 लाख अभ्यर्थी करने के लिए तैयार है। बाकी इस चीज को आपने सुना कि एनसीटी और एमएचआरडी किस तरीके से भावनाओं के साथ 14 लाख अभ्यर्थियों के साथ खिलवाड़ की है, जो
कहा जाता है कि बच्चे देश के फ्यूचर होते हैं और उन्हीं फ्यूचर के साथ एक तरीके का मजाक और एक तरीके का खिलवाड़ करना ये सबसे बड़ा शर्मनाक अपने भारत देश का मामला है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में क्या ख्याल आया, आप अपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय को जरूर दीजिएगा। अगर आप NIOS DELED अभ्यर्थी हैं तो आप बताइएगा क्या आपको इस डिग्री को करने में कहीं भूल चुक हुई थी या आप कहीं घूस दे करके इस डिग्री को हासिल किए थे। क्या आप उस समय ये कहा गया था कि ये डिग्री जो है कुछ दिनों के लिए मान्य होगी उसके बाद अमान्य हो जाएगी। क्या आपको ये कहा गया था कि इस डिग्री को करने के बाद सिर्फ गवर्नमेंट शिक्षक जो नियोजित में है उन्हीं को ये ट्रेंड माना जाएगा, बाकी आपको अनट्रेंड माना जाएगा। क्या ये कहा गया था कि ये डिग्री को सिर्फ लेकर के आपको अपने फाइल में रख लेना है, अपने फाइल में एक डिग्री को बढ़ा लेना है। क्या आपके समय को कीमत है या नहीं है? क्या आपको सरकार को इस मुद्दे को सुनना चाहिए और तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? क्या NCT को इस तरीके से छुप छुप करके इस बच्चों के साथ 14 लाख अभ्यर्थियों के साथ खेल खेलना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, सहयोग।